अहमद, जब भी आपकी बात करते हैं, जो लोग आपके फैंस हैं वो आपको वापस लाने की बात करते हैं, तो आम राय कहूँ, एक सोच कहूँ, वो कहते हैं नहीं यार आगे देखें, अहमद शहजाद का टाइम ख़त्म। आई डोंट नो ये कौन लोग हैं, क्योंकि मुझे टीम से बाहर हुए हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं और मैं भी लोगों में जाता हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो तो कुछ और ही बात करते हैं। वो तो हमेशा मुझे देखने की बात करते हैं, वो तो हमेशा मेरे साथ हुई ज्यादतियों की बात करते हैं, वो तो हमेशा वो सारी बातें जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं, उनको वो भी पता है। तो सिर्फ सोशल मीडिया से आप लोगों को ना गैदर करें, सिर्फ सोशल मीडिया की आवाम का ना आप करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, या भाई आपको सब पता है कि किस तरह होती है किस तरह नहीं होती है, हमने स्टार्ट की थी। तो ये किसी उसके साथ बात करें आप, जो अभी नया बच्चा आया है तो शायद उसको काफ़ी सारी चीज़ों का पता ना हो। तो ये तो हम ही लेके आए थे मार्केट में, और यहाँ पे किस तरह ओपिनियन बनाए जाते हैं और यहाँ पे किस तरह कैंपेन्स चलती हैं और कौन कौन चलाता है, वो भी सब इल्म है। लेकिन मैंने आपके साथ पहले भी गालिबन बैठा था, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं चीज़ों को ज़्यादा डीप जाके जो है ना खोदूँ, क्योंकि उसमें से एक तो दिल भी बहुत टूटते हैं और फिर उसके बाद फ़ायदा कोई नहीं होता, इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं दरगुजर करने वालों में से हूँ जब तक मेरे में हिम्मत। कुछ लोगों का ख्याल है अहमद, कुछ लोगों पे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि नाम लिए बगैर यार 71 का स्ट्राइक रेट है, आज तो 100 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। देखिए मुझे पता है आप राशिद भाई की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोल देता हूँ। नहीं, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनके नाम से खबर चली थी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो ठीक भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने, उनके जो ट्वीट्स भी आए वो आपने देखे, उन्होंने कहा कि मैं अहमद के बारे में नहीं बोल रहा था। अगर वो मेरे बारे में बोल भी रहे हैं तो इट्स ओके, वाई? बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी को जस्टिफाई करता रहूँ। उस टाइम दुबई अबू धाबी में क्रिकेट होना, उस टाइम जो मेरे कैप्टन के प्लान होते थे, उस टाइम जो वहाँ पे विनिंग स्कोर होते थे, उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल, मैं ठीक खेल रहा था। अगर मैं कंसिस्टेंटली 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, तो अगर मुझे इतने ही प्रॉब्लम हो रहे थे टीम को मेरे से, तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आने चाहिए थे। तो फिर कैप्टन को मुझे बोलना चाहिए था कि आप ये क्या खेल रहे हो। तो जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थे, हाँ अब क्रिकेट चेंज है, अब वेन्यूज़ भी चेंज है, अब आप मेरे स्ट्राइक रेट्स देखें, या आप जहाँ जहाँ अच्छे पिचेस होते हैं आप वहाँ मेरे स्ट्राइक रेट्स देखें, आप पाकिस्तान में जो क्रिकेट खेलता हूँ डोमेस्टिक, आप वहाँ मेरे स्ट्राइक रेट देखें। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि जो गुजर गया मैं उसको वापस नहीं ला सकता, वो प्लान के हिस्से थे, वो उस टाइम की क्रिकेट थी, आजकल की क्रिकेट डिफरेंट है। और आपको पता है कि मैं एक अग्रेसिव प्लेयर हूँ, अग्रेसिव प्लेयर आया था। सो मैं और आवाम अग्रेशन देखना चाहती है, क्रिकेट सारी अग्रेसिव हो रही है, सो मैं इसी तरह इसी फॉर्मेट को और इसी फॉर्म ऑफ प्ले को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और मुझे उनके, अगर उन्होंने मेरा कहा भी है तो मुझे उनसे गिला नहीं है, उन्होंने उतनी ही बात करनी है जितना उनको पता है। लेकिन अहमद, इस बात का तो अफसोस होता है ना कि खिलाड़ी टीम से एन आउट तो होता रहता है, लेकिन आप तो पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपको मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को आपकी याद नहीं आई, किसी ने आपके लिए आवाज़ नहीं उठाई, अफसोस होता है? तो जब आपके यहाँ पर नाम बन जाता है, आपके लिए बहुत कम लोग होते हैं जो बात उठाते हैं। वो क्या वजूहत हैं, अगर मैं उसमें जाऊँगा काफ़ी डीप हो जाएगा, सो वो अलग बातें हैं। तो ये तो खाली मेरे साथ नहीं है, और भी कोई होगा उसके साथ भी यही होगा, और हमने तो सह लिया है। अब लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जब आपने दूसरों के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल जब आपकी बारी आएगी तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, नंबर एक ये। नंबर दो ये, जी PSL का जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब उनको कहीं पर काउंट नहीं किया गया, जो मैंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दिए हैं उनको काउंट नहीं किया गया। मैं बहुत सारे प्लेयर्स देखता हूँ जिन्होंने कभी भी अपनी टीम को जितवाया ही नहीं है, वो भी आज तक उन पर बात ही नहीं हुई, कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुई, और वो हिस्सा हैं और उनको बैक किया जाता है। और मेरा एक आधा सीज़न अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी बुनियादों पे मेरी जो सारी मैंने फतुहात जो क्वेटा ग्लैडिएटर को एक अंडरडॉग टीम को जहाँ तक लेके आए, उसमें जो मेरा अपना हाथ था, जो कि वो खुद मानते हैं जिनकी ये टीम है, तो उसको कहीं भी खातिर ख्वाह नहीं लाया गया। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी एक जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा बैड बिल्ड कर दी गई है मेरे अपने ही प्लेयर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं जो जाके बैड माउथिंग करते हैं कुछ PSL के ऑनर्स को, क्योंकि हर टीम में आपको पाए जाएंगे ऐसे लोग कि जो जाके टीम बनाते हैं वो एक ही आप कह लें कि नज़रिए के लोग हैं, वो एक ही दौर के लोग हैं, और वही जाके जो PSL के ऑनर्स होते हैं उनको एक बैड परसेप्शन, बैड माउथ, ये तो ऐसा है कि ये तो ऐसा है, ये तो हैंडल नहीं होगा, ये तो गुस्से वाला है, ये तो ये, मेरा मतलब है मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी मुझे कभी ज़िंदगी में जहाँ मैं खेलूँ मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई,
जहाँ मैं खेला हूँ कोई मुझे ऐसे डिसिप्लिन के प्रॉब्लम नहीं हुए, जब मैं खेलूँ जिस टीम से खेलूँ उस टीम के लिए ऐसे ही खेलूँ कि ये मेरी आखिरी टीम है, तो उसके बावजूद भी, तो कहते हैं ना वो बड़े लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि आप यू नो आप कान के बड़े कच्चे होते हैं, तो हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि आपको सुनी सुनाई बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, आपको अपना एक्सपीरियंस देखना चाहिए कि इंसान के साथ कि मेरे साथ ये कैसा है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, वो लोगों के कहने की वजूहात हैं और जो वजूहात मैं यहाँ पर खरीदना नहीं चाहता बिकॉज़ मैं एक पर्दे में एक डिकोरम के अंदर रह के बात करता हूँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ देखें कि मैं आपके साथ कैसा हूँ।